देखिए लेटेस्ट एपिसोड्स बिल्कुल एड फ्री। पहले मैंने अपनी सासू माँ के साथ बहुत ही बुरा बर्ताव किया था, तो भी उन्होंने उसे मेरी भूल समझ के मुझे क्षमा कर दिया। बहुत बड़ा दिल है उनका। अब यदि मैं मन लगाकर लक्ष्मी व्रत का पालन करती हूँ तो उन्हें बहुत खुशी होगी। आप देखना अम्मा, मैं वही करूँगी। इस घर में मैं माँ लक्ष्मी को प्रतिष्ठित करूँगी। माँ लक्ष्मी को प्रतिष्ठित करूँगी। तुम अब मेरे भक्त के हृदय में हिंसा और द्वंद उत्पन्न नहीं कर पाऊंगी। मेरे भक्त ही तुम्हें विदा करेंगे और वही उनकी विजय होगी। मैं उन्हें सौभाग्य एवं सुबुद्धि दान करूंगी और उसी से वो भले और बुरे में अंतर समझ पाएंगे। उल्लोक, मैं प्रभु को भोग निवेदन करूंगी, उनके परम अन्न का पात्र लेकर आओ। तो अभी लाई माँ। क्या हुआ उल्लोक? आपका ऐसा रूप वैकुंठ में कभी नहीं देखा। कितनी सुंदर लग रही हैं आप। मैंने तो अभी गृहलक्ष्मी का रूप धारण किया है उल्लोक। ये लीजिए माँ। था कि मैं ये संभाल नहीं पाई, इसलिए मेरे हाथ से गिर गया। ये क्या, वैकुंठ में इतना शोर क्यों है? मेरे कारण है प्रभु, अचानक मेरे हाथों से ये पात्र गिर गया। भयभीत मत हो देवी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। इस शोर से माँ इतनी भयभीत क्यों है प्रभु? उलूक, तुम्हारी माँ कठोर ध्वनि सहन नहीं कर पाती है, इसीलिए उनकी पूजा में कठोर ध्वनि का उपयोग नहीं होता है। मुझसे भूल हो गई माँ, क्षमा कर दीजिए। नहीं नहीं उल्लोक, तुमने जानबूझकर ध्वनि नहीं की। प्रभु, आप आसन ग्रहण कीजिए, मैं आपको भोग निवेदन करूंगी। देवी, तुम्हारे भक्त के घर में आज लक्ष्मी व्रत का पालन हो रहा है और तुम गृह लक्ष्मी बनकर वैकुंठ में संसार संभाल रही हो। ऐसा बस तुम ही कर सकती हो देवी।
यही तो मेरा वास्तविक रूप है प्रभु। मेरे इस रूप के माध्य ही मेरा समस्त लक्ष्मी श्री है। अवंती नगर की बहुएं भी मेरा ही रूप है। एक दिन वो अवश्य अपनी शक्ति समझ पाएंगे। देवी, उम्मीद करता हूं कि अब तुम्हारे व्रत प्रचार में और कोई विघ्न नहीं आएगा। पृथ्वी लोक के घर घर में अब तुम विराज कर पाओगी देवी। छोटी बहू रानी, मिला तुम्हें दुर्वा। अब आ जाओ बिटिया, व्रत आरंभ करना है, आ जाओ। आती हूँ माँ। ओ छोटी बहू, सुन बिटिया सुन, ये घड़ियाल घंटा ले बजा। ये घड़ियाल घंटा लक्ष्मी के व्रत में बजाना पड़ता है। तुम्हारी सासू माँ बहुत खुश होंगी। पहले जब तुम्हारी सासू माँ धूमधाम से लक्ष्मी पूजा करती थी, तब ये घड़ियाल घंटा बहुत जोर जोर से बजाती थी। अच्छा दो, दो? मेरे मायके में जब विष्णु पूजा होती थी तब भी बहुत जोर जोर से घड़ियाल घंटा बजाया जाता था। वही ना, इस घड़ियाल घंटे के बिना कभी पूजा होती है क्या बिटिया? देखना बिटिया, आज ये लक्ष्मी पूजा सफल होगी। इस घड़ियाल घंटे को पूरे घर में बजा, उसके बाद पूजा घर में जा। हाँ ठीक है अम्मा। लक्ष्मी की व्रत कथा का प्रचार यहीं समाप्त हुआ। मैं जानती हूँ श्री लक्ष्मी घड़ियाल घंटे की ध्वनि नहीं सह पाती है, अब इस घर में प्रवेश नहीं करेगी वो।
ऐसा अनर्थ, बंद करो, बंद करो ये आवाज। माँ लक्ष्मी भयभीत है, माँ लक्ष्मी भयभीत है, माँ कौन तुम्हें उद्विग्न कर रहा है? देवी, शांत हो जाओ। ये स्वर तुम्हारे पूजा स्थल से आ रहा है। शांत हो जाओ देवी। ये अवश्य ही अलक्ष्मी की चाल है। वो तुम्हारा व्रत नहीं होने देना चाहती है। तुम्हें तुम्हारे भक्त के घर में प्रवेश ना करने देने के लिए उसने पुनः माया का प्रयोग किया है। भयभीत मत हो श्री, उसकी कोई भी माया अब मैं सफल नहीं होने दूंगा। उसने तुम्हें उद्विग्न किया है, इसका दंड उसे अवश्य मिलेगा। ये उसी ध्वनि के कारण हुआ है उलूक। धनेश्वर के घर में आज इतना शुभ अनुष्ठान होने वाला था, पर इस शुभ कार्य में विघ्न डाला है अलक्ष्मी ने।
किंतु आज लक्ष्मी व्रत होगा, आज ही होगा। समस्त बाधाओं को मैं दूर करूंगा। देवर्षि, इस समय जहां भी हो मेरे सम्मुख उपस्थित हो जाओ। प्रणाम प्रभु। प्रणाम माता। आपने मुझे याद किया प्रभु। देवर्षि, मुझे ये स्पष्ट दिख रहा है कि लक्ष्मी ने कोई चाल करके धनेश्वर के घर में चल रहे लक्ष्मी व्रत को बाधित करने का प्रयास किया है। मैं चाहूं तो दिव्य शक्ति के द्वारा इसी समय उसे भस्म कर सकता हूं, किंतु वो श्री लक्ष्मी की सहोदरा है, इसलिए ऐसा नहीं कर सकता। तुम इसी क्षण धनेश्वर के घर में जाओ देवर्षि। श्री लक्ष्मी के भक्त अलक्ष्मी को पहचान पाए कुछ ऐसा आयोजन करो। मैं चाहता हूं कि दिव्य शक्ति द्वारा नहीं, मनुष्य स्वयं ही हिंसा को, कलह को, द्वंद्व को अपने घर से विदा करके स्थापित करे श्री और समृद्धि को। आपकी आज्ञा सर्वोपरि है प्रभु। माता, कृपया कर अपने कलश से मुझे दो मुट्ठी धान दीजिए। माता, माता को क्या हुआ प्रभु? वो ऐसे पत्थर प्रतिमा कैसे बन गई? क्योंकि माँ घड़ियाल की ध्वनि सहन नहीं कर पाती नारद मुनि। माँ की पूजा में वही घड़ियाल बजा है और उसकी ध्वनि से माँ पत्थर बन गई है। माता, पुत्र नारद, तुम इसी क्षण श्री हरि की आज्ञा का पालन करो, शीघ्र प्रस्थान करो। श्री लक्ष्मी के भक्त जब तक अलक्ष्मी को विदा करके लक्ष्मी व्रत नहीं करते हैं, तब तक श्री लक्ष्मी ऐसी ही रहेगी। श्री की इस अवस्था का अर्थ है समस्त श्री का स्थिर हो जाना। श्री लक्ष्मी जब तक सामान्य नहीं होती, तब तक समस्त श्री सौंदर्य स्थिर ही रहेंगे। नहीं हो सकता प्रभु, मैं शिक्षण पृथ्वी गमन करता हूं। पृथ्वीवासी और कष्ट नहीं सहेंगे। मां के व्रत का इस बार प्रचार होगा ही। प्रभु, आपकी अनुमति लेकर मैं माता के कलश से दो मुट्ठी धान ले रहा हूं। प्रभु,
आज मेरे ही कारण माँ की स्थापना पुनः सफल नहीं हुई। माँ मुझे विदा कर दीजिए, मुझे यहाँ से निकाल दीजिए, मुझे निकाल दीजिए इस घर से, लक्ष्मी को विदा कीजिए माँ। अलक्ष्मी को इतनी सरलता से विदा नहीं कर सकती सुलता। मैं इस घर में श्री लक्ष्मी को पुनः स्थापित होने नहीं दूंगी, कदापि नहीं, क्योंकि लक्ष्मी व्रत कथा का प्रचार होने से मुझे पृथ्वी लोक में कभी पूजा नहीं मिलेगी। इतने समय से जो अपमान हुआ है वो मैं कभी नहीं भूल सकती। बिटिया, मैं ये नहीं मानती कि तुम अलक्ष्मी हो। अलक्ष्मी के मुंह से ऐसी बात कभी सुनी है किसी ने? बताओ हाँ? रो मत बिटिया, रो मत, माँ लक्ष्मी सब ठीक कर देंगी, देखना सब ठीक कर देंगी। हाँ, जय माँ लक्ष्मी की जय। जय माँ लक्ष्मी की जय। सुना है इस घर में आज माँ का व्रत आरंभ हो रहा है? देवश्री नारद, ये क्यों आए हैं इस समय? आप पहले भी इस घर में आए थे ना, भिक्षा लेने उस बिटिया को साथ लेकर? हाँ माँ, किंतु उस दिन इस घर से राख मिली थी। आज माँ के व्रत का प्रसाद मिलेगा ना माँ ठकुराइन? नहीं बेटा, आज भी तुम्हें खाली हाथ ही लौटना होगा। माँ का व्रत सफल नहीं हुआ है, उसमें घड़ियाल घंटा बजा है, माँ भयभीत हुई है, पूजा की समस्त सामग्री नष्ट हो गई है, व्रत सफल नहीं हुआ बेटा, विघ्न आया है। कैसा विघ्न माँ ठकुराइन? माँ को पुनः स्थापित कीजिए, इस घर से लक्ष्मी को दूर कीजिए, तभी ना माँ की स्थापना होगी। ना मेनका बहू, तब से मैं तुझे यही बात समझा रही थी, घर से तू इस अलक्ष्मी को विदा कर दे, तभी घर में लक्ष्मी आएगी। हाँ मैं जानती हूँ माँ, आप मुझे विदा नहीं कर पाएंगी। इसलिए मैं स्वयं जाऊंगी। मैं चली जाती हूँ माँ, मैं जा रही हूँ। ये
सावधान छोटी बहू रानी। इस घर से मैं किसी भी गृहलक्ष्मी को नहीं जाने दूंगी। बेटा, मेरे घर में कोई अलक्ष्मी नहीं है। माँ ठकुराइन, ये धान माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद है। आप ये धान लीजिए और सबके हाथों में ये धान दीजिए। ये धान ही तुम्हारी समस्त चाल नष्ट कर देगी लक्ष्मी। अब देखो क्या होता है। देखिएगा, ये धान ही आप सबका सौभाग्य लौटाएगा। माँ स्वयं ही आपको रास्ता दिखाएंगी। वही तो, माँ तो स्वयं ही अपना व्रत सफल करा देंगी हमसे। माँ, ये इतने समय से मेरा ये विश्वास कहाँ चला गया था? माँ, माँ, क्षमा कर दीजिए, माँ क्षमा कर दीजिए, क्षमा कर दीजिए। दो बेटा, दो दो हमें, दो दो। ये लीजिए माँ, लीजिए। धान मैं सबके हाथों में देती हूँ, ठीक है? इसी धान से आज नए रूप से माँ का व्रत आरंभ होगा।